people, we respect the mandate of the people. और सम्मान करते हुए बात तो जो रीजन है उसको एक्सेप्ट कर लें। जो राजू बिस्टर जी जो एमपी बन गया और निरंजन जी जो जो बाई इलेक्शन में राजेंद्र एमएलए बन गया, उनको हम लोग शुभकामना शुभेच्छा देते हैं, बधाई देते हैं। तो आने वाला दिन में राजू बिस्टर जी और निरंजन जी भाई पहाड़ के लिए अच्छा काम करें और उम्मीद रखते हैं जो वोट ये दोनों। विनोद जी, इस पहाड़ का इस रिजेक्शन के वजह क्या सकते हैं, क्यों ऐसे रिजल्ट हुआ? देखिए 17 महीने तक हम लोग ने काम किया था मीडिया का और अपॉइंटमेंट भी दिया, लेकिन किस चीज़ में पब्लिक नाराज़ है वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो दो चार दिन के बाद में हम लोग किस जो चैनल कमेटी की मीटिंग जरूर देखेंगे। देखिए जी के में आप लोग थे तो हम लोग जी एन एल बोल रहा है जो एक तरह का रिजेक्शन है, तो जी टी ए के बारे में क्या सोचेंगे आप लोग? देखिए ये जी टी ए का बारे में देखिए राजा सरकार हम लोग वही करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि राजा सरकार हम लोग रिलेशन ये अच्छा है, हम लोग बने रहेंगे और गठबंधन है। इन योर पॉलिटिक्स कैरियर व्हाट नेक्स्ट इन योर कैरियर ऑफ द पॉलिटिक्स? ना ना पॉलिटिक्स में तो हम लोग जाएंगे, मैंने बताया कि एक हार से पॉलिटिक्स का खत्म नहीं होगी। तो देखिए पॉलिटिक्स में आने वाले दिन में हम लोग स्ट्रेटेजी क्या बनेगा वो आफ्टर हैविंग द मीटिंग विद सेंट्रल लीडर्स। पूरा देश में आज जो बीजेपी का जो हवा चल रही है, रिजल्ट जो दिख रहे हैं, ये क्या आप सोचते हैं इसके ये दार्जिलिंग का रिजल्ट होने का कारण ये प्रो मोदी या एंटी ममता कोई इधर भी? हाँ एंटी ममता कोई इसमें एंटी ममता और प्रो मोदी का बात नहीं है। देखिए और स्टेट में हो सकता है लेकिन दार्जिलिंग में ऐसा नहीं है और बंगाल में ऐसा नहीं है। द पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है पहाड़ में ये विमल गुरुंग का इफेक्ट इलेक्शन में आ गया, आप मानते हैं? ना ना विमल गुरुंग का इफेक्ट नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे बीजेपी का जो वेट चल रहा है वो मुंबई में और इसमें नीचे से भी जो चार सेगमेंट असेंबली सेगमेंट से वो जो रिजल्ट आने वाला तो हम लोग उम्मीद कर रखे थे उसमें भी माइनस हो। सामने तो जीटीए भी जीटीए का भी चुनाव है, वो तो देखिए वो जीटीए का चुनाव तो होना होने वाला है, तो जीटीए पंचायत के इलेक्शन भी तो इस बार जीटीए का इलेक्शन में है उसके साथ साथ ही साथ आज रिजल्ट आ गया, हम लोग भी बूथ वाइज देखेंगे क्या दी क्यों नाराज़ है पब्लिक हमारा हम लोग उसके साथ में और पब्लिक का मैंने क्यों उस तरफ चला गया उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई चेंजेस ना तो देखिए आफ्टर हैविंग द मीटिंग विद सेंट्रल लीडर्स एंड आज ममता दीदी के साथ कोई बातचीत हुआ कोई फोन कॉल? अभी तक नहीं हुआ है, शाम को हम लोग जरूर करेंगे। थैंक यू।